डियर स्टूडेंट्स, इस SIC ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका क्लास 10th अंग्रेजी का क्लास है। हम लोग प्रोज में एक लेसन पढ़ रहे थे, द गंगा, तीसरा लेसन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ, और जिसका 3 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक वसीयत इसमें बताई है, अपनी विश बताई है, जहाँ से ये कहानी आगे बढ़ी है। उनकी विषय ये थी कि अगर हम, मतलब उन्होंने कहा कि अगर हमारी डेथ हो, चाहे इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो, तो हमारी जो डेड बॉडी है उसको जला दिया जाए। फॉरेन कंट्री में डेथ हो तो वहाँ जला दिया जाए, और अस्थियों को हमारे इंडिया में भेजा जाए, और इंडिया में से इलाहाबाद में भेजा जाए, और यहाँ लाने के बाद उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में बहा दिया जाए। कोई भी, उन्होंने कहा कि मेरे अस्थि का, यानी मेरे कलश का, मेरी अस्थि का कोई भी भाग बचा के न रखा जाए। बाकी क्या क्या करना, अभी तो एक मुट्ठी राख बताया, बाकी का क्या करना है उन्होंने कहा कि आगे हम बताते हैं, जैसे बताएंगे वैसे ही हमारे अस्थियों के साथ में किया जाए। तो एक मुट्ठी राख को जो कहा गंगा नदी में बहाने के लिए, उसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि कोई धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि यह है कि हम इस नदी से बचपन से जुड़े हुए हैं। अब वही आगे उसके बारे में बताते हैं कि हमने बताया कि इस नदी का हमने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से इसको समझा, बचपन से हम इससे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे इस नदी से हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, बोलते हैं कि इस नदी को अगर सुबह की रोशनी में देखो, धूप की रोशनी में, तो तुमको स्माइलिंग और डांसिंग दिखाई देगी। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, नाचती हुई, झूमती हुई, क्योंकि मतलब ये भी एक नेचुरल बातें हैं कि अगर ये देखें कि शाम को जब सूरज डूब जाता है तो पानी जो है, पानी में लहर ख़त्म हो जाती है, स्टिल हो जाता है, एकदम शांत। और जब सूरज जैसे निकलता है, जब उजाला होता है, तो पानी में एक थोड़ा सा एक हलचल पैदा होती है, पानी में लहर रहती है। तो उन्होंने वही चीज़ कहा कि अगर दिन में देखो तो स्माइलिंग एंड डांसिंग नज़र आती है। और अगर बोलते क्या हैं कि एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, और जैसे बताया कि जैसे सूरज डूब गया, शाम की परछाइयाँ आ गईं, तो ये एकदम डार्क दिखने लगती है, डार्क ग्लूमी दिखने लगता है, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरा हुआ दिखता है। तो एकदम डार्क मतलब बहुत, जैसे एकदम अंधकार में काला दिखता है, और उसके बाद बहुत ग्लूमी और फुल ऑफ मिस्ट्री नज़र आता है जब शाम की परछाइयाँ गिरती हैं। तो उसके बाद बताया कि ये तो सुबह और शाम में बताया, डिफरेंस देखा। फिर कहा नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, जब सर्दी का मौसम आता है तो यही जो नदी है, इसी की धारा बहुत पतली हो जाती है, नैरो, इसका जो बहाव है बहुत स्लो हो जाता है, और बहुत ग्रेसफुल स्ट्रीम, और ये जो पानी की इसकी धारा है, ये स्ट्रीम है, ये बड़ी दयालु, बड़ी ग्रेसफुल हो जाती है, कि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी आराम से खेलते कूदते रहते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन कहा कि अब जैसे ही मौसम बदलता है, और जब मानसून का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, इस मानसून के बीच में एक बड़ी दहाड़ती हुई ये चीज़ बन जाती है, मतलब ये नदी एकदम दहाड़ मारती हुई, उमड़ती हुई, पानी ऐसे पूरा सैलाब की तरह बहता हुआ आता है, अगल बगल के पूरे एरिया को जो है वो बाढ़ में डुबो देता है, लोग अपने घर बार को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बताया कि ये जो सर्दी में बहुत स्लो रहती है, नैरो रहती है, वो बहुत वास्ट रोरिंग थिंग, बड़ी दहाड़ती हुई चीज़ बन जाती है, ब्रॉड बॉसम, जो इसका बॉसम माने सीना है, मतलब जो इसका बहाव है, जो सिकुड़ के सर्दी में एकदम पतली हो जाती है, तो इसका बहाव बहुत बढ़ जाता है, नदी के दोनों किनारों से फैल कर ये अगल बगल की बस्ती में भर जाता है। तो कहा कि ब्रॉड माने बहुत चौड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट एज द सी, बिल्कुल समुंदर की जैसे, एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और साथ साथ उसने बताया कि समुंदर के जैसे जो ये चौड़ी दिखने लगती है, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ वो पावर भी पैदा हो जाती है। कौन सी पावर? डिस्ट्रॉय कर देने वाली, जैसे समुंदर में जब सुनामी की लहरें उठती हैं, समुंदर की लहरें तेज़ उठती हैं, तो आसपास के अपने शहर को बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसे कहा कि इसके अंदर भी वो कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाली पावर पैदा हो जाती है। डिस्ट्रॉय कर देने वाली पावर ऐसे कि मतलब ये जब पानी अपने दोनों पार्ट से अलग किनारे बह के भरने लगते हैं, तो अगर देखा है कि किनारे बने हुए मंदिरों में, घरों में पानी घुस जाता है, लोग छत पर रहने को मजबूर हो जाते हैं या छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय करने की इसके अंदर शक्ति उस टाइम रहती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, राइटर ने बताया कि जो गंगा नदी है, ये मेरे लिए एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक निशानी है, किसकी, वो जो इंडिया का पास्ट जो बीत चुका है, उसकी मेमोरी, ये उसकी याद, उसकी यादों की एक निशानी है, एक सिंबल रही हमेशा। और जो रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो पास्ट की एक सिंबल है, अभी भी मौजूदा भी है, रनिंग मतलब दौड़ रही है, बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेटेस्ट ओशन ऑफ द फ्यूचर, ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य का एक बहुत बड़ा महासागर जो भी आने वाला है, तो आइंदा भी बताया कि भविष्य में भी ऐसे ही जो बहती रहेगी उम्मीद है। तो उन्होंने मतलब ये बताया इस नदी के बारे में कि ये नदी मौसम के हिसाब से और सुबह शाम के हिसाब से अपना रूप कैसे बदलती है। अब उसके बाद इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग कल के वीडियो में लास्ट पढ़कर इस लेसन को ख़त्म कर लेंगे।